नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों जो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय संबद्ध जितने भी संस्कृत कॉलेज हैं उनमें हुई शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के अपडेट है कि यहाँ पर शासन के निर्देश पर 2014 से 2018 के बीच की खुली फाइलें, शिक्षकों की नियुक्तियां आई जांच के घेरे में। दोस्तों संस्कृत विद्यालयों में जो भी शिक्षकों की भर्तियां हुई हैं शासन के निर्देश पर इसकी पूरी फाइल खुल चुकी है। जितने भी पत्रावलियां हैं नियुक्तियों से संबंधित वो सब DIOs को सौंपी जा चुकी हैं। फाइलों में अनियमितताएँ खंगाली जा रही हैं। यदि गड़बड़ियाँ मिली तो नियुक्तियाँ निरस्त भी होने की संभावना है। आपको बताते हैं कुल मिलाकर के 165 संस्कृत कॉलेजों में 650 शिक्षकों का ये प्रकरण है। ठीक है, यहाँ पर शासन को कुछ अनियमितताएँ देखने को मिली हैं, इसी वजह से यहाँ पर जांच पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पिछले 4 साल में जो भी भर्तियाँ हुई हैं वो सब भर्तियाँ खंगाली जाएंगी। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज है सीटेट के आंसर की को लेकर के। कल CBSE ने सीटेट की आंसर की जारी कर दी है और ये आंसर की आप लोग 26 जुलाई तक देख सकते हैं रात 12 बजे तक, और 26 जुलाई तक आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। आपको आपत्तियां दर्ज कराने के लिए CEET.NIC.in वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से एक लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप अपनी आपत्ति दर्ज करा पाएंगे। प्रति प्रश्न 1000 रुपये का शुल्क भी देना पड़ेगा। हालांकि आपकी आपत्ति अगर सही है वो एक्सेप्ट होती है तो बाद में शुल्क आपका वापस भी हो जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसमें प्राइमरी और जूनियर में काफ़ी क्वेश्चंस गलत हैं, जो उसके उत्तर हैं गलत दिए गए, तो आप भी अपने इस तरह से चेक कर लें। कोई अगर कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें हमें ज़रूर से ज़रूर भेज दें। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज है नई शिक्षा नीति को लेकर के, शिक्षा मित्रों के बारे में। यहाँ पर शिक्षा मित्रों की एक टीम है, उन्होंने जो सांसद हैं उनसे जाकर के मिले और बोला कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को शामिल किया जाए, क्योंकि नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को सीधा सीधा हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया। जितने भी पैरा टीचर हैं सबको बाहर कर दिया गया नई शिक्षा नीति, हालांकि अभी लागू नहीं हुई है लेकिन ऐसा प्रस्ताव आया था। तो इनकी मांग है कि नई शिक्षा नीति में इनको शामिल किया जाए और 69,000 शिक्षक भर्ती में भी इनको वेटेज देकर मौका दिया जाए, क्योंकि आप लोग जानते हो 69,000 में कट ऑफ लगाने से, जो 60-65 का कट ऑफ लगाया गया था, तो अगर कट ऑफ लगता है तो बिना कट ये सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे, कोई भी बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा। तो इनका कहना है कि पहले इनको वेटेज दिया जाए। ठीक है, वेटेज के बाद इनको अगर मेरिट स्थान नहीं मिलता है तब बाहर किया जाए। तो ये इनकी पूरी मिली मांग है। कल इन्होंने जा कर के जो प्रमुख सांसद हैं सुब्रत पाठक, इनको अपना ज्ञापन वगैरह दिया। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये न्यूज है टीचर भर्ती को लेकर के, एक अच्छी खबर कह सकते हैं कि रिक्त शिक्षकों के पदों को शीघ्र भरेगी सरकार। दोस्तों आपको पता होगा कि विधान परिषद में कुछ दिन पहले मामला आया था न्यूज़ की, विधान परिषद में शिक्षक भर्ती को उठाया जाएगा, तो विधान परिषद में कल मामला पूरा उठाया गया शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर साफ दिया है कि सरकार ने विधान परिषद में आश्वासन दिया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कॉलेजों में रिक्त शिक्षकों के पदों को शीघ्र भरा जाएगा। शिक्षक दल के ओम प्रकाश शर्मा, जगवीर किशोर जैन तथा हेम सिंह पुंडीर व अन्य ने 105 के तहत सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश के सहायक माध्यमिक विद्यालय शिक्षक विहीन होते जा रहे हैं, इसलिए शिक्षकों की नियुक्तियाँ बहुत जल्द यहाँ पर होनी चाहिए। सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि अब ये भर्तियाँ जल्दी होंगी, हालांकि देखना ये होगा कि वास्तविकता क्या है। ठीक है, तो चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज है एडेड कॉलेजों में टीचर भर्ती को लेकर के पूरी अपडेट है कि यहाँ पर दिया गया कि कॉलेजों में शिक्षकों के 22,000 पद खाली। ये अपडेट कह सकते हैं अब सही निकल के आ रही है, क्योंकि अभी ऑफिशियल लेटर भी आया हुआ है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, उसने भी बताया है कि 22,000 शिक्षक यहाँ पर खाली हैं पद। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये है कि 22,000 पदों में अभी तक DIOs ने सिर्फ 1881 पद का ही सत्यापन किया है, मतलब चयन बोर्ड के पास अभी तक सिर्फ 1881
पद ही पहुँचे हैं इस पद भर्ती होने के लिए, बाकी जो पद हैं वो सब DIO स्तर से, प्रबंधक स्तर से ऐसे पड़े हैं, कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे दिया गया है कि 6,687 पद ऐसे हैं जिनको असत्यापित कर दिया है DIO ने और प्रबंधन से इसके बारे में जानकारी मांगी है। वहीं पर 13,702 पद ऐसे हैं जो कि DIO स्तर पर लंबित पड़े हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो भर्ती होने के लिए पद पहुँचे हैं वो 1,881 पद ही ATGT PGD के पहुँचे हैं, और लास्ट डेट इसकी आपको पता है 31 जुलाई है अधियाचन भेजने की। आज 25 जुलाई है, पिछले 25 दिन में सिर्फ 1,881 पद चयन बोर्ड के पास पहुँचे हैं, सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, 5 दिन में कितने पद पहुँच जाएंगे। इसके लिए चयन बोर्ड ने एक बार सभी DIO को फिर से रिमाइंडर भेजा है कि अपने स्तर से जितनी भी कार्रवाई हो सके वो सब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पदों का अधियाचन भेजिए। ठीक है, इसका डिटेल वीडियो आपको शाम तक मिलेगा, उसमें पूरा ऑफिशियल लेटर के साथ मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से पूरी क्या क्या अपडेट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बताएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज है डाइट प्रवक्ता को लेकर के, डाइट प्रवक्ता का साक्षात्कार 8 अगस्त से शुरू होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डाइट प्रवक्ता के साक्षात्कार की तिथि तारीख घोषित कर दी है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने जिला शिक्षा प्रशिक्षण तथा डाइट में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा पद का साक्षात्कार 8 अगस्त से शुरू हो जाएगा। ठीक है, 8 अगस्त से साक्षात्कार शुरू हो रहा है और बाकी जो है उनका साक्षात्कार 8, 9, 13, 14, 17, 19, 20, 21 अगस्त को होगा। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हो आयोग की वेबसाइट पर जाएं, वहां से अपना साक्षात्कार लेटर डाउनलोड कर लें और उसके साथ आपको अंक तालिका वगैरह आपके पास नहीं है और प्रमाणीकरण पत्रक है, ये सब आप लोग आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद ही साक्षात्कार में उपस्थित हूँ। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज है LTGate पेपर लीक मामले को लेकर के, यहाँ पे दिया गया है कि UPSC LTGate शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में बुधवार को एक और गवाह का कलामबंद बयान दर्ज हुआ। वहीं 3 आरोपी प्रभुदयाल सिंह यादव, गणेश व रंजीत ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है। इस पर जिला न्यायाधीश UC शर्मा की पीठ की कोर्ट में 25 जुलाई को सुनवाई होगी, आज इसकी सुनवाई होगी आरोपियों की। ठीक है, अग्रिम जमानत के बारे में चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। यहाँ पर यह दिया गया कि सरकार की हरी झंडी पर जारी की उत्तर कुंजी। आपको पता होगा अभी 2-4 दिन पहले आयोग ने RO AVRO 2016 भर्ती की उत्तर कुंजी जारी की है, जबकि इसमें जांच चल रही थी, CBCID की जांच चल रही थी और वो जांच पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और CBCID ने पूरा क्लीन चिट दे दी, लेकिन फिर भी ये अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं, उनको लगता है कि जाँच सही तरीके से नहीं की गई है और ये सब फर्जीवाड़ा, मतलब एक जांच में फर्जी किया गया है, ऐसे ही काम चलाओ कर ले जांच कर पूरी कर देते। अभ्यर्थी कल डॉक्टर प्रभात कुमार से मिले जा कर के और सारी बात बताई, तो मुलाकात के दौरान डॉक्टर प्रभात कुमार ने बोला है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसकी शिकायत लोक सेवा आयोग अध्यक्ष जो है वो करेंगे और CBI से इसकी जाँच करवाएँगे, अपने स्तर से इसकी पूरी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करने के बाद उसका निस्तारण होने के बाद ही इसका रिजल्ट वगैरह जो बाकी चीज़ें वो सब जारी किया जाएगा। ठीक है, और ये जो आंसर की जारी की गई सरकार के इशारे पर जारी की गई, अपने मन से कोई भी यहाँ पर कुछ भी जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये एक अपडेट हो गई। वहीं पर दोस्तों ये एक छोटी सी न्यूज है कि UP बिहार के 19 शहरों में आयोजित होगी MTS परीक्षा। आपको पता होगा MTS परीक्षा 2019 की ये 2 अगस्त से 22 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। इसके लिए UP बिहार में 19 शहरों में 107 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पर 3 पालियों में एग्जाम होगा आपका। ठीक है, और जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठना चाहता है तो परीक्षा की डेट से 1 हफ्ते पहले अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएगा। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये न्यूज है यहाँ पर अभियंत्रण सेवा यानी AP उभरती 2013 के संबंध में, यहाँ पर दिया है अभियंत्रण सेवा 2013 की CBI जांच की तैयारी, अध्यक्ष ने दिए संकेत। कल अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल जो था, क्योंकि बुधवार को डॉक्टर प्रभात कुमार सभी अभ्यर्थियों से मुलाकात करते हैं, उसके लिए बाकायदा एप्लीकेशन देना होता है, फिर बुलाया जाता है कि आप लोग आके मिलिए। ठीक है, तो अभ्यर्थियों ने शिकायत की है 2013 भर्ती में को लेकर के, तो यहाँ पर अध्यक्ष ने संकेत दिए हैं
इसमें भी हम सीबीआई जांच कराएंगे, ठीक है। तो ये पूरी दोस्तों आज की अपडेट थी, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, चैनल पे इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और दोस्तों कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।